ओए अमन एंड्रॉइड गेमर मेरे साथ वन वी वन करेगा डालेंगे थे। मैं तेरे को चैलेंज देता हूँ में हमें तो आ जाए। पता है क्या इसके जैसे हरामजादे खुद को इतना कूल समझते हैं ना ऐसी वीडियो बनाने के बाद। ओ हो हमने तो यूट्यूबर को ऐसा बोल दिया अब तो उसकी फट जाएगी। हरामजादे को मैं इतना पेलने वाला हूँ इस वीडियो में, आ जाओ दिखाता हूँ। भाई आज गेम कुछ ज्यादा स्मूथ फील हो रहा है पता है मुझे। अब मुझे नहीं पता ये एनिमी के लिए बुरी बात है कि अच्छी। ओ हो सरप्राइज अटैक करने की कोशिश थी भाई। छुप के मत मारो यार, छुप के मत मारो। मतलब बंदा फुल छुपा हुआ था, मेरा वेट कर रहा था। ओके आ जाओ बाहर आ जाओ। बच्चा है यार, पता है दिक्कत क्या होती है। अगर ये मेरी एज का होता ना, मतलब लगभग जितनी मैं उम्र का हूँ, तो मैं इसको बहुत कुछ बोल सकता था। बट क्योंकि ये बच्चा है ना, तो भाई एक होता है ना कि यार छोटा है क्या ही बोलेंगे, तो मेरा ना मन नहीं कर रहा इसको कुछ अब्यूज करने का। बट अगर ये मेरी उम्र का निकल जाता ना भाई, उसको तो देता मैं गाली। बट देखो खेल तो अच्छा रहा है, नो डाउट मार रहा है। बट पता है मुझे कभी कभी लगता है कि यार ऐसे बच्चों की ना लाइक जो मेंटेलिटी रहती है बहुत खराब हो गई है, लिटरली बहुत खराब हो गई। मैं अकेला नहीं बोल रहा ये चीज, तुम बताए दूसरे यूट्यूबरों के भी कमेंट सेक्शन में जाके देखना जो अनुयन करते हैं। भाई ये पता नहीं कौन सी टॉक्सिक हरकत सीख रहे हैं भाई। मतलब तुम्हें चैलेंज देना है, कॉल आउट करना है, वो अलग चीज है। बट ये मतलब जिस हिसाब से बोलना लाइक चैलेंज देने का तरीका होता है वो बहुत गंदा है भाई। कसम से मैं नहीं खेलता ऐसे भाई, कसम से। मतलब तुम अच्छे से बोल सकते हो ठीक है, मतलब अगर मैं नहीं खेल पा रहा हूँ तुम्हारे अच्छे से बोलने पे। मतलब पता नहीं कहाँ से आ रही है भाई वो टॉक्सिक चीज़ की ऐसे बोलेंगे तो शायद यूट्यूबर खेल लेगा। बट कोई फायदा नहीं है भाई उसमें, तुम अपनी इज्जत की भी तो मां बहन कर रही हो, ये भी तो देखो कोई फायदा थोड़ी है ऐसे करके। और लिटरली टॉक्सिक कम्युनिटी है BGMI की, तुम मानो ना मानो जो गेम फेमस होता है जिसकी कम्युनिटी बड़ी होती है भाई वो कम्युनिटी टॉक्सिक होती है। ये बात तुम मानो ना मानो, कोई पीसफुल कम्युनिटी नहीं है अपनी BGMI की भाई। तुम देख रहे हो स्ट्रीमरों की लड़ाई चल रही हो, स्काउट और मावी की, वो अपने पर्सनल चीजें निकाल रहे हैं। अबे मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, वो दोनों एक नंबर के पागल है। तुम्हें इतना पर्सनल जानने की क्या जरूरत है? वो उसको मोटा बोल रहा है, वो बोल रहा है तेरी शक्ल कैसी। अरे ये सब बात थोड़ी होती है भाई, तुम गेम की बात कर लो, ये बोल लो कि टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, देखो कैरी किया, ये सब ठीक है। बट पर्सनल जाना, तेरी हाइट कम है, तू मोटा, यार ये सब नहीं भाई। मैं तो इस सब के अगेंस्ट हूँ। मतलब मैं क्या, आई एम श्योर आप भी होंगे, बट उनका तो बहुत एक्सट्रीम चला गया। तो मैं वही बोल रहा हूँ भाई, अपनी BGMI की कम्युनिटी बहुत टॉक्सिक है। और अगर मैं बात करूँ इस वाले लाइक तुम बोल सकते हो कंटेंट में, जहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वन वी वन के चैलेंज डालते हैं भाई, इसमें भी तुम उनके कमेंट सेक्शन खोल के देखो भाई, छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चे ऐसे गाली लिख रहे होते हैं जैसे बहुत ही प्राउड कोई चीज़ कर रहे हैं वो लोग। बट ठीक है यार, क्या ही कर सकते हैं भाई, आफ्टर ऑल है तो अपनी ही IGC इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। कुछ लोग उसको सुधारने की भी कोशिश करते हैं बट कोई फ़ायदा नहीं है भाई। इतनी बड़ी कम्युनिटी है ना, इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि भाई तुम्हें कुछ ना कुछ हरामजादे दिख ही जाएंगे उसमें। जैसे जो छोटा गेम होता है ना उसकी बड़ी पीसफुल कम्युनिटी होती है, मैंने देखा है। बट जैसे ही गेम बड़ा हो जाता है भाई, मतलब होता है ना 100 में से एक बंदा तो हराम ही निकलेगा ही, और वो एक बंदा फिर एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा तो करती है, आप तो जानते हो इस बात को। और ये बंदे ने आप लोगों ने खुद देखा था कैसे ऑफ कॉन्फिडेंस में आके चैलेंज दिया था, अभी देखो क्या हाल है इसका। भाई चैलेंज देना अलग होता है और फिर जब एक्चुअल में मैच हम लगा लेते हैं तब परफॉर्म करना अलग चीज़ होती है। भाई ये कहाँ पे है, मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है क्या भाई? ये क्यों कैंप करके बैठा है? तुझे लग रहा है तू जीत सकता है कैंप करके भी? मुझे लिटरली दिख ही नहीं रहा वो बंदा। वो देखो गधे के बच्चे को देखा तुम लोगों को भाई? वो वहां पे कैंप कर रहा था। ये देखो 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 मेरे बेस पे जा रहा है। अब मैं मारूंगा, मैं इसको अब मारूंगा इसको मैं। चला गोली, चल लो अभी। ओ कम ऑन आ जाओ, साइड से आ रहा है। इसे लग रहा है मैंने हेडफोन नहीं पहने भाई, माना मैंने सस्ते हेडफोन पहने हैं बट यार आवाज तो आती है उनमें भी। ओके अरे मेरे को रिमाइंड में आया किसी का। ओके मुझे दिख गया वो इसके पीछे, उसने मुझे देख लिया। ओ हो पिक्सल पीक और व्हाट ब्रो, ऐसे थोड़ी होता है। तुमने चैलेंज दिया है तो तुम्हें तो दिखाना पड़ेगा ना भाई किसको चैलेंज दिया हो तुमने। आप तो एक बच्चे हो तुम। बाय द वे गाइस, मेरे को अपना ना एक छोटा सा ओपिनियन बताओ, आप क्या सोचते हो जो नया गेम आया इंडस बैटल रॉयल उसके बारे में? मैं जानना चाहता हूँ जेन्युइनली, कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैंने उसके जितने वीडियोस देखे मेरे को समझ आया भाई वो टट्टी है एकदम। इंडस नहीं, वो संडास बैटल रॉयल है। बट बिफोर कुछ भी बोलूँगा, उससे पहले मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहूँगा कि वो नेक्स्ट बिग थिंग है कि नहीं। देखो पता है, अगर आप मुझसे पूछो ना पर्सनली, मेरे हिसाब से पता है नेक्स्ट बिग थिंग क्या होगी? वैलोरेंट मोबाइल। जब वैलोरेंट मोबाइल आएगा और उसकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हुई तो भाई वो होगा एक चेंज, लिटरली चेंज, जहाँ बहुत सारे बंदे इंक्लूडिंग मी वैलोरेंट मोबाइल खेलेंगे। बट वो अच्छा आना चाहिए यार, ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वो एकदम हमें वो नहीं चाहिए कि लो एंड डिवाइस पे लैग कर रहा है, क्योंकि कोई भी गेम को सक्सेसफुल होने के लिए हर डिवाइस पे अच्छा चलना चाहिए। इवन BGMI अब हुआ है हाई एंड डिवाइस वाला गेम, पहले तो वो लो एंड में चलता था ना भाई। मैं पता है BGMI किस डिवाइस में खेलता था, रुको आप लोगों को लाके दिखाऊंगा अभी, जस्ट मेरे पीछे रखा हुआ है।
दिख रहा है ये, इसमें धूल लगी हुई, सैमसंग का इतना पुराना फोन है, इसमें मैंने BGMI खेला है। अब वो धूल इसलिए लगी हुई है क्योंकि वो मेरा सबसे पहला फोन है, तो मैं उसको कहीं बेचता वगैरह नहीं हूँ, और मैं उसको ठीक भी नहीं करा सकता क्योंकि अब वो ठीक नहीं हो सकता, बट मैंने उसको एज अ याद अपने पास रखा हूँ। तो भाई मैंने BGMI इस डिवाइस में खेला है, इतने पुराने फोन में। उसमें पता है रैम कितनी थी? ऑलमोस्ट 7, मैं भूल गया कितनी रैम थी यार, बट वो छोड़ो, मैं तुम्हें जो बोल रहा था वो सुनो, कि BGMI भी पहले एकदम लो एंड डिवाइस में चलता था, बट भाई ये जो इंडस आया है भाई, वो फ्लैगशिप डिवाइसेस में हैंग कर रहा है। इवन मैं भी उसको ट्राई करने वाला हूँ, और मैं ना सोच रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ, कि मतलब मैं उसका इंडस का वीडियो बनाऊँ, तो आप लोगों को वो वीडियो देखने को मिल सकता है मेरे चैनल पर। बट मैं अभी इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि अभी भी गेम लॉन्च हुआ है भाई, बहुत सारे उसमें अपडेट आने के हैं, तो मैं थोड़ी सी देर बाद वीडियो बनाऊंगा जब थोड़े बहुत बग फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि कोई फायदा नहीं यार नए नए गेम को गाली देने का, कोई फायदा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई ऑब्वियसली BGMI भी जब नया नया आया था उसमें दुनिया भर के बग थे, है ना, तो थोड़ा टाइम देते हैं उस गेम को। वैसे मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा उस गेम की, है तो वो गेम टट्टी जितना मैंने देखा है अभी तक, बट हाँ फिर भी मैं थोड़ा टाइम दूंगा उसको, ताकि थोड़े अपडेट वगैरह से गेम फिक्स हो जाए और फिर हम अच्छे से उसको ट्राई कर पाएँ। बाय द वे, ये जो फ़ोन आपको मैंने दिखाया है मेरे दिल के बहुत करीब है, ये मेरा फर्स्ट गेमिंग फ़ोन है, मतलब एकदम फर्स्ट वाला फ़ोन मेरे सामने रखा, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। ये है वो, दिख रहा है आप लोग को, ये भी सैमसंग है, तो ये भी मेरा फर्स्ट एकदम फर्स्ट फ़ोन था जिसमें कॉल वगैरह करता था, और फिर जब मुझे गेम खेलने थे तो मैंने ये फ़ोन लिया था। इसका नाम था C7 Pro, सैमसंग। भाई बहुत मस्त फ़ोन था, लिटरली बहुत मस्त। और मेरा एनिमी कहाँ गया भाई, मेरा ध्यान तो बात करने में है, वो ऐसे भी गधे का बच्चा पिटे जा रहा है मेरे से। वो रहा वो रहा वो रहा, अरे बेटा सोचो अगर मैंने इसको इतना बात करते हुए मार दिया बिना ध्यान दिए, तो अगर मैं ध्यान देके खेलता तो बेटा तेरी तो बुद्धि ही तोड़ देता मैं, अगर सीरियस होके खेलता तो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, इस बंदे के अगेंस्ट सीरियस होके खेलने की ज़रूरत ही नहीं थी मेरे को। चल तेरे साथ खेलूंगा मैं सीरियस होके भावेश, काले भट्टू, बस वीडियो ऑन करके कुछ भी कुछ बोलना आता है, रियल लाइफ में खेलोगे तो फट गई अभी। कहाँ देख रहा है, कहाँ देख रहा है, तुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ? अब पता क्या करेगा, हार जाएगा। अरे भैया आप तो आईपैड पे खेलते हो, आपके पास तो वाईफाई। अबे तो ये तो देखो पहले से पता था ना कि मैं वाईफाई पे खेल रहा हूँ, आईपैड में खेल रहा हूँ, तो देखो पहले से पता था। मुझे इतना बकवास एक्सक्यूज लगता है ना हारने के बाद, पता है बंदे ने मेरे साथ मैच लगाया, बंदा हार गया, हारने के बाद क्या बोलेगा कि मैं आईपैड में खेलता हूँ वाईफाई पे खेलता हूँ? भाई ये तो देखो पहले से पता है ना, अगर तू मैच लगा रहा है ये बात तो देखो पहले से पता है, तो हारने के बाद बहाने क्यों दे रहा है? हारने से पहले ये बोल देना कि भाई आप आईपैड में खेलते हो, आप मेरे को हरा दोगे, ऐसा बोल। लिटरली इतना बकवास बहाना लगता है ना भाई, कसम से। ये देखो ये डैमेज हुआ ना, पीछे भाग रहा है, भाग तो नहीं सकता यार तू, मार दे इससे अच्छा। आखिरी के 40 सेकंड के लिए मैंने कार 98 के निकाल लिया, और भाई मैं इसको कार 98 के मार के ही जाऊंगा, नहीं तो मैं अपनी दाढ़ी कटवा लूंगा। ओहो हो हो भाई भाई भाई, दाढ़ी नहीं कटवानी है मेरे को, नहीं 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 मेरे घर वाले घर से निकाल देंगे मेरे को। चल साढ़े, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता अगर मैंने अपनी बियर्ड ट्रिम करा ली तो मैं कितना किस कदर चूतिया लगूंगा भाई, किस मैं खुद को ही नहीं देख पाऊंगा आईने में। जब तक मेरी बियर्ड वापस नहीं आएगी ना, मैं घर से निकलना बंद कर दूंगा और घर में सारे पर्दे कर दूंगा काले, मतलब बिल्कुल लाइट भी नहीं आना चाहिए। चल एक शॉट तो और लग, एंड में मारा मारा, अच्छा भाई एंड में अच्छा खेला इसने, मतलब लास्ट लास्ट किल कर दिया इसने, नाइस। बाय द वे गाइस, वीडियो में इतना था, मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल एक नए वीडियो में। और भाई मेरे को एक बंदे ने कमेंट में पूछा था कि भाई आप कौन से वाले हेडफोन लगाते हो, तो भाई ये हेडफोन मेरे को बहुत पहले प्रमोशन के लिए आए थे, बट उन कुत्तों ने मेरे पैसे ही नहीं दिए, मतलब मेरे साथ स्कैम कर दिया, तो मैं इसका प्रमोशन नहीं करने वाला। मैं नहीं बताऊंगा कौन सी कंपनी के है, और अगर आप में से किसी को पता है कौन सी कंपनी के है कमेंट सेक्शन में मत बताना भाई, बहुत ही कुत्ती कंपनी है, मेरे पैसे नहीं दिए, लोगों ने स्कैम किया सारे चोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।